इसको मजाक में मत लेना, आप जिस चीज को सोचते हो उसी एनर्जी से कनेक्टेड होते हो, वो इमोशन से कनेक्ट होते हो। टीवी में सिर्फ 300-400 चैनल होते होंगे ज्यादा से ज्यादा, और आप 500 चैनल से अलग अलग चैनल से कनेक्ट होते होंगे। ये बॉडी ट्रिलियंस ऑफ वाइब्रेशन से कनेक्ट होने की ताकत रखती है। इस संसार में अगर कोई सुपर पावर सिस्टम है तो ये फिजिकल बॉडी है, इससे बड़ा कोई सिस्टम नहीं। ये शरीर अलग अलग चीजों को खींच सकती है। 24 घंटे अगर आप 24 घंटे नींबू के अचार को ही सोचते रहोगे तो क्या होगा? 24 घंटे मुंह में पानी आता ही रहेगा कि नहीं? तो आज आपको एक सवाल करता हूं, जिसको सोचते हो वो एनर्जी से अगर आप कनेक्ट होते हो, ये साइंस है, तो आप रोज क्या सोचते रहते हो? आपको जो अभी दुख है, परेशानियां हैं, बीमारी है, उसको सोचते हो कि हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ को सोचते हो? आप जिससे देखो आपके पास क्या है उसको सोचोगे तो वही चीज को अट्रैक्ट करोगे। आपको क्या चाहिए ये सोचोगे तो जो चाहिए उसको अट्रैक्ट करोगे। आप अपने पास है उसको सोच रहे हो कि आपको क्या चाहिए वो सोच रहे हो? आप बताओ, बोलो रक्षा भाई। कॉमनली लोगों ने शू विचार आ रहे छे कि मारे पाओ तकलीफ छे, मारो काम थतू नथी, मने परेशानी आवे छे, मारो केम काम थसे। अगर ये कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी कमी को और अट्रैक्ट कर रहे हो। आप ध्यान रखना, आपको खुश हूं, समृद्ध हूं, सुखी हूं, आरोग्यवान हूं, नहीं भी हूं तो भी यही सोच करना पड़ेगा। बोलो, है ही नहीं तो कैसे सोच करें? डॉक्टर जो गोली देता है लेना पड़ता है कि नहीं? आज ये डॉक्टर गोली देके जा रहा है तो खुश हूं ये सोचो। डॉक्टर बोले कि ये गोली खाना पड़ेगा, डॉक्टर से कभी आर्ग्यू करते हो? नहीं नहीं, ये गोली नहीं, ऑरेंज कलर का गोली, ये गोली रात में नहीं खाऊंगा, मैं बपोर में खाऊंगा। डॉक्टर जैसे बोले तुम सब दबा के खाते हो कि नहीं? तो ये संत आप, वो डॉक्टर तो सिर्फ शारीरिक रोग का वैद्य है, भव रोग का वैद्य बन के मैं संत बोलता हूं आपको। ह्यूमन साइकोलॉजी है। कल मैंने बताया एक मिसिंग टाइल सिंड्रोम के बारे में। एक स्विमिंग पूल है माताजी, उस स्विमिंग पूल में 10,000 टाइल लगे हुए हैं, पानी भी भरा हुआ है, रेडी टू स्विम, लेकिन उसमें बीच में एक टाइल नहीं है। क्या नहीं है? बोलो, बीच में एक टाइल नहीं है। माताजी आपका नाम क्या? माताजी कल्पना। आपको पूछता हूं, आप एक स्विमिंग पूल में जा रहे हो, पानी भरा है, 9,999 टाइल है, एक टाइल नहीं है। अब आपका पूरा दिमाग जहां एक टाइल नहीं है उस पर जाएगा कि 9,999 टाइल है इस पर जाएगा? आप बताओ मेरे बच्चों, बताओ। इसको पूरी धरती में 99.9 लोगों में ये सिंड्रोम है। ऐसे आज का जो साइकियाट्रिस्ट लोग ये कहते हैं कि 99.9% लोग इस सिंड्रोम से पीड़ित है। ये सिंड्रोम है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। आपके जीवन में 9,999 सुख होने, जो एक सुख नहीं है उसको पकड़ के रोते रहोगे आप जिंदगी भर। ये सिंड्रोम सबके पास है। ध्यान रखो, जो भरपूर है उस तरफ दिमाग लगाओ। एक बहुत बड़े भगोने में मैं 1,000 लीटर दूध भर दूं, इतना दूध, 1,000 लीटर दूध भर दूं और उसमें एक राई डाल दूं, भाई क्या डाल दूं? मस्टर्ड। एक राई डाल दूं, मस्टर्ड डाल दूं, और आपको मैं कहूं कि ये भगोने को देखो तो ये लबालब 1,000 लीटर दूध भरा हुआ भगोना दिखेगा कि आपको वो राई दिखेगा? तो रिलीजियसनेस और स्पिरिचुअलिटी में इतना ही फर्क है। जिस दिन राई को छोड़ के दूध को देखने लगोगे आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। बहुत सरल बात, आप जिस दिन मिसिंग टाइम को छोड़ के स्विमिंग पूल को देखने लगोगे आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। जो भरपूर है, कर्म करो फल को मत देखो। मां कदापि, हाँ
तो इसको जानना ही स्पिरिचुअलिटी है।